हे ब्यूटीफुल, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 30 मेकअप लुक जो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट लेंस को वेयर किया हुआ है। उसके बाद मैं ये गुड वाइब्स का टोनर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का टोनर एंड गुड वाइब्स का ही मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। ये दोनों प्रोडक्ट आपको पर्पल पे इजीली मिल जाएंगे और गुड वाइब्स के प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया होते हैं, तो आप ये दोनों प्रोडक्ट जरूर यूज़ करना। उसके बाद मैं करूँगी अपने आईब्रो को फिल, क्योंकि अगर आप मेकअप करो और आईब्रो फिल नहीं करते हो तो फिर आपका मेकअप अच्छा नहीं लगता, मतलब फेस जो है ना अनकम्प्लीट दिखती है। तो इसके लिए हमें अपना आईब्रो फिल जरूर करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे अपने अंडर आइज़ को कंसीलर से इस तरीके से मैं अपने पूरे आईलाइट पे एंड अंडर आइज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। देन इसको ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे करने वाली हूँ सबसे पहले आई मेकअप, उसके बाद कॉम्पैक्ट से जो भी मैंने लगाया था कंसीलर उसको मैं सेट कर ले रही हूँ। उसके बाद ये मैंने हुडा ब्यूटी का पैलेट लिया, उसमें से लाइट पिंक से लेके मैं अपने पूरे क्रीज लाइन पे, मतलब पूरी क्रीज लाइन पे आपको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। वीडियो फास्ट है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं, बहुत ही टाइम देना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद आप एक ब्रश लेके हल्का सा कंसीलर लेना, उसके बाद आपके अंडर जो आपके आईलेट्स होते हैं ना वहाँ पे अच्छे से अपने कंसीलर को अप्लाई कर लेना, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही धीरे धीरे अप्लाई करना। अगर ऊपर नीचे हो जाएगी तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से कंसीलर को मैं अप्लाई कर ली। देन मैं सेम पैलेट में से डार्क पिंक कलर का ये कलर आई शैडो ले रही हूँ और उसको अपने जो कंसीलर था ना वहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। आपके पास कोई भी, आप जिस कलर का तीज में ड्रेस पहने हो उस कलर का आप इस तरीके ले सकते हो। मैंने यहाँ पे पिंक कलर का डाला था इसलिए मैंने पिंक कलर का ही लिया है। आपके पास जो कलर आप वो अप्लाई ले सकते हो। तो मैं इस तरीके से पूरे आईलाइट पे अप्लाई कर ले रही हूँ, दोनों आईज पे अच्छे से अप्लाई करना है, बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया। देन उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मुझे ना हल्का सा ग्लिटर लगाना था, तो मैं यहाँ पे आई ग्लू लगा रही हूँ। एकदम मिडल होता है ना, मिडल में बहुत लोग पूरे पे लगाते हैं, आप चाहे तो पूरे पे लगा सकते हो, बट मैं मिडल में लगाना है। ये वाला ग्लिटर मैं अप्लाई कर लूँगी बर्स के हेल्प से और अपने सिर्फ मिडल पार्ट पे उसको अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। गाइज, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ एक वीडियो के लिए हम इतना तैयार होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बहुत 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 सारा प्यार दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। गाइज, तो इस तरीके से मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी आईलाइनर। ये आईलाइनर माइग्लेम का है। इसकी ब्रश जो है ना, ओह माय गॉड, बहुत ही बढ़िया। अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा तो मेरे चैनल पे अपलोड है, वहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे आईलाइनर को अच्छे से अप्लाई कर लूँ हल्का सा बाहर की ओर लेते हुए, ताकि मेरे जो आईज़ है ना वो थोड़ी बड़ी बड़ी दिखे। और आप पूरे दिन फास्ट में रहते हो और अपने अगर आई मेकअप अच्छा किया तो लुक पूरा अच्छा आ जाता है। तो इस तरीके से करना है। देन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फॉल्सेस, क्योंकि फॉल्सेस के बाद पहले तो आई मेकअप इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट करने के लिए फॉल्सेस में ग्लू लगा के देन मिडिल पार्ट में रखना है। एक आपको सबसे लास्ट के कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ के देन जो आपका सबसे फर्स्ट का कॉर्नर होता है दोनों को इस तरीके से प्लेस कर लेना है। दैट्स इट, हमारा जब आईलेसेस जो है लग के तैयार हो चुके हैं। तो मैंने दोनों आईज पे इस तरीके से आईलेसेस को लगा लिया है। उसके बाद मैं सेम पिंक कलर लेके अपने नीचे के लोअर लाइन पे इस तरीके से अप्लाई कर लूँ। इससे क्या होता है ना कि आपके जो आँखें हैं ना बड़ी बड़ी दिखती है और बहुत ही अच्छा सा एक अच्छा लुक आ जाता है। तो इस तरीके से मैं दोनों आईज पे अपने नीचे अपने ब्रश के हेल्प से उसको हल्का हल्का स्मोकी जैसा ब्लेंड कर ले रही हूँ। सी, मेरा आई मेकअप डन हो चुका है। मुझे अपना आई मेकअप बहुत अच्छा लगा था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि ये माइग्लेम का कॉन्टोर है, मैं अपने कॉन्टोर कर रही हूँ। मुझे कॉन्टोर ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट मैं फिर भी कॉन्टोर कर ले रही हूँ जो जहाँ जहाँ आपको चाहिए। उसके बाद ये माइग्लेम का फाउंडेशन जो बहुत ही बढ़िया फाउंडेशन है, इसका जो बेस जो बन जाता है ना बहुत बढ़िया बन जाता है। तो डॉट डॉट देते हुए पूरे फेस पर, नेक पर भी आपको नहीं छोड़ना है, तो उस तरीके से पूरे फेस पर डॉट डॉट देते हुए देन उसके बाद मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही ईजी ब्लेंड हो जाता है। तो इस तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपको ब्लेंड करना है, ब्लेंड के लिए थोड़ा टाइम देना है। तो ब्लेंड होने के बाद उसके बाद जो भी मैंने लगाया था उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट से इसको सेट कर लेना है। इससे क्या होगा ना, गर्मी का टाइम है तो आपके अगर अच्छे से सेट रहेंगे तो पसीने या जो भी होते वो आपको नहीं आएगा। तो इस तरीके से अच्छे से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। तो देखो मेरा जो बेस है वो कितना बढ़िया लग रहा है, तो और कॉन्टोर भी हो गया साथ साथ, दोनों एक साथ हो गया ना। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने मस्करा तो लगाया ही नहीं था, तो फिर मैंने अपने लोअर लेसेस पे एंड अपने जो भी मैंने फॉल्सेस लगाए थे उसके साथ दोनों को मस्करा अप्लाई कर लिया, क्योंकि मस्करा नहीं लगाओगे ना नीचे के लाइन में तो फिर वो लुक अच्छा नहीं दिखता। तो मैंने अच्छे तरीके से, ये लैक्मी का है, मैंने इसको
यूज़ करके अच्छे तरीके से नीचे एंड ऊपर दोनों तरीके से लगाया। देन माई ग्लेम का ये जो कॉम्पैक्ट है ना गाइस, शुगर के कॉम्पैक्ट को एकदम अच्छा वाला लुक देता है। मतलब इसमें कॉन्टोर, हाईलाइट एंड ब्लश तीनों अवेलेबल है, तो मैं इसी का कॉन्टोर ब्लश यूज़ कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं सेम पैलेट में से हाईलाइटर ब्रश की हेल्प से इस तरीके से अप्लाई करूँ, जहाँ जहाँ भी आपको हाईलाइट करना, मुझे चीक, नोज़, अपने नेक के पास, अगर आपके डीप ब्लाउज है तो नेक के फ्रंट में, इस तरीके से मुझे हाईलाइट करना पसंद है। देन मैं फेस्ट कनेरे का मेकअप फिक्स से सारे मेकअप को इस तरीके से सेट कर लूँगी, क्योंकि मेकअप सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्सेस है आप ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप करके उसको रिमूव कर सकते हो, ये ट्रिक तो जरूर से जरूर अप्लाई करना। उसके बाद मेरा मोस्ट फेवरेट माई ग्लेम का लिपस्टिक, ओ माय गॉड, बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारा सेट मुझे ये लगता है, तो मैं इसको अप्लाई कर ले रही हूँ, क्योंकि तीज में थोड़ा डार्क लिपस्टिक लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा लुक आता है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे ब्लैक कलर का काजल ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिया है ग्रीन कलर का काजल, डिपेंड आपको कि आपको कैसा काजल चाहिए। मुझे ग्रीन कलर काजल ना बहुत अच्छी लगती है, माई ग्लेम की ये काजल है, इसको लगा लिया मैंने दोनों, और उसको ना ब्रश की हेल्प से मैं हल्का हल्का स्मच कर दे रही हूँ। मतलब ऐसा लगेगा पिंक को मैंने स्मच किया था और ग्रीन के साथ स्मच किया, तो ऐसा लग रहा था कि एक स्मोकी सा लुक आ गया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था अपना ये ओवरऑल लुक। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से ज़रूर बताइएगा। और ये जो भी मैंने लहंगा पहना हुआ है, ये रेडी टू वेयर साड़ी है जो मैंने इंस्टाग्राम से लिया हुआ था, इसका मैंने वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट जाइए और देखिए, बहुत ही बढ़िया साड़ी है ये। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को मैंने एक बार सेट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पहना ये ज्वेलरी, ये ज्वेलरी मैंने मीशो से ये लिया था, राजस्थानी ज्वेलरी है, इतनी बढ़िया ज्वेलरी है ना, पूरे लुक को कंप्लीट कर दिया था यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से डाल ले रही हूँ ईयरिंग इसके सेम टू सेम। तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और लुक को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लुक को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मैंने डाला था बिंदी, और मेरे पास ना माथा पट्टी था, तो मैंने सोचा कि मैं ओपन हेयर कर रही हूँ तो माथा पट्टी लगा के देखती हूँ कैसा लगता है, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करिएगा, और आप चाहें तो यहाँ पे मांटिका भी डाल सकते हो गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है तो मेक से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय बाय।